हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है और मैं यहाँ बना रही थी बच्चों के लिए कुछ स्पेशल, क्योंकि बच्चों का बहुत मन था। और अभी मैं आगे बताऊंगी कि मैं मैगी का क्या बना रही थी। तो मैंने ना यहाँ 5 पैकेट तो मैगी के लिए थे, और वो है ना छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, बारीक कर लिए थे, जिससे कि मुझे आसानी हो वो बनाने में, जो मैं बच्चों के लिए बनाना चाहती हूँ। और उसके बाद में है ना वो मैंने अच्छे से है ना, जैसे मैगी नॉर्मली हम मैगी बनाते हैं ना, उस तरीके से मैंने बना ली थी। और बस मेरे मैगी हमारी बन करके तैयार हो गई है, और आटा भी लगा दिया था, और पूजा पाठ हमारी हो गई है, ठीक है। और क्योंकि पूजा पाठ वाला मैंने इसमें सीन वही डेली का रहता है, तो इसलिए वो नहीं लिया है मैंने इसमें। तो यहाँ मैं बना रही थी मैगी के सैंडविच। आप सैंडविच भी बोल सकते हो या मैगी के ब्रेड पकौड़े भी बोल सकते हो, दोनों ही बोल सकते हो। तो यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए मैगी के सैंडविच आटे वाले इस तरीके से। और तो मैंने है ना एक बड़ी रोटी इस तरीके से ले ली थी, और मैगी बीच में रख करके और चारों तरफ को फोल्ड कर दिया था मैंने इस तरीके से, जैसे मैं अब कर रही हूँ ना, इस तरीके से मैंने ये फोल्ड कर दिए थे। और उसके बाद में तेल जैसे हमारा हो जाएगा ना, तो उसके बाद में ना मैं इसे कढ़ाई में छोड़ दूँगी। तो हमारे यहाँ ना ये बच्चों का काफ़ी टाइम से मन था, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये चीज़ बनाने में ना थोड़ा सुबह टाइम लगता है। तो थोड़ा मैंने सोचा आज कोई नहीं, थोड़ा जल्दी उठ कर गया ना, आज मैं बच्चों के लिए ये बना ही देती हूँ मैगी के सैंडविच। क्योंकि उठती तो मैं वैसे भी जल्दी हूँ, वही 4:15 तक तो उठती हूँ मैं इस वजह से। तो फाइनली आज ना मैंने बच्चों के लिए मैगी के सैंडविच बनाए हैं, और बस इनके लंच हम बना करके पैक कर देंगे। आज जो मैंने बच्चों के लिए मैगी के सैंडविच बनाए थे ना, तो वो बच्चों को बहुत पसंद आए थे, और तीनों बच्चों को बहुत पसंद आए थे, पति देव को भी आए थे। मैंने तो थोड़ा सा खाया था, क्योंकि मेरा तो बनाते बनाते पेट भर जाता है। और फिर मैंने ना मंदिर से आने के बाद में ही चाय वगैरह जो भी लेती हूँ, अब तो मैं 2-3 दिन से चाय भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मन नहीं करता चाय वाय पीने का। कभी मन करता है तो पी लेती हूँ, नहीं मन करता तो नहीं पीती हूँ। यहाँ पर बच्चों का लंच पैक हो रहा है, और लंच पैक हो जाएगा उसके बाद मैं रक्षित को तैयार करूँगी, रुद्र गोलू भी निकल जाएंगे, और सभी काम से फ्री होने के बाद में मैं जाऊँगी मंदिर द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करने के लिए। और यहाँ मैं छौंक रही थी मिर्च, प्याज और ककड़ौंदे, क्योंकि पतिदेव की बहुत इच्छा है खाने की। वो परसों लेकर के आए थे, पर कल मेरा साईं बाबा का व्रत था, तो इस वजह से है ना मैंने ये नहीं बनाए थे। क्योंकि व्रत में है ना मैं प्याज वगैरह यूज नहीं करती, वैसे भी नॉर्मली कमी करती हूँ, पर आप पतिदेव की इच्छा है तो भाई बनानी तो पड़ेंगी, तो इसलिए ना मैंने प्याज, ककड़ौंदे और हरी मिर्च इस तरीके से मैंने ना छौंकी थी, क्योंकि उन्हें इस तरीके से ही चाहिए थी खाने के लिए। तो मैंने इसमें नमक वगैरह डाल दिया है, और जो सौंफ हम अचार में डालते हैं ना, तो वो डाल दी थी पिसी हुई, क्योंकि मेरे पास तो अवेलेबल रहती है, मैं तो पीस करके ना डब्बे भर कर रख लेती हूँ। तो वो है ना मैंने इसमें पिसी हुई सौंफ डाल दिया है ऊपर से, कम से कम 3-3.5 चम्मच डाली थी, और नमक डाल दिया है। और ये ना मैंने 1 चम्मच तेल में अच्छे से पक जाने के बाद में जब छौंकी थी रख करके रख दूँगी, और अच्छे से ये मिर्च जो है हमारी पक जाएंगी।
अच्छा जब छोड़ो तो मेरे हाथ पहुंच ही जाएगा। चलो बुक निकालो। बचपन कहा, बचपन चलो। कहा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उषा तनवर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, दोपहर से सर में दर्द हो रहा है, तो फेस भी ऐसे ही हो रहा है थोड़ा। और मैंने यहाँ बनाई है आज सुबह, तो पता है मैंने बच्चों के लिए बनाया था मैगी के सैंडविच भी बोल सकते हैं और ब्रेड पकोड़े भी बोल सकते हैं मैगी के। तो बच्चों को बहुत मन था, काफ़ी टाइम से बच्चे बोल रही थे, मैंने सोचा चलो आज फाइनली बनाती हूँ बच्चों के लिए। फिर मैंने बनाए थे मैगी के ब्रेड पकोड़े, या ब्रेड क्या बताया था मैंने अभी, ब्रेड पकोड़े और एक और बताया था ना, सैंडविच, सॉरी सैंडविच दिया। दे देते आप, दिया क्यों नहीं, दो पीस दे दिए मैं। पसंद आए थे जेड को, नाम जेड है, जेड जेड पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरे भी समझ में नहीं आ रही। और पति देव के लिए, अब शाम का टाइम हो रहा है ना, तो पति देव के लिए छुकी है मिर्च को, क्यों वो कल लेकर के आए थे ककरौंदी, सॉरी परसों लेकर के आए थे। कल मेरा व्रत था वीरवार का साईं बाबा का, तो इस वजह से है ना उसमें, क्योंकि उसमें उनका मन था कि वो प्याज डाल के छुकवाएं, तो मैंने ना आज बनाए हैं, क्योंकि कल के लिए तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं व्रत में तो ज़्यादातर मैं प्याज वगैरह में कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। मैंने कहा क्योंकि परसों लेकर के आए थे, तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा नहीं कल नहीं बनाऊँगी परसों बनाऊँगी, आज के लिए बोला था। फिर मैंने तो पति देव के लिए भी मैंने हरी मिर्च ककरौंदे और प्याज डाल करके और सौंफ वगैरह जो होती है ना पिसी हुई, मैं तो पीस करके रखती हूँ, तो वो डाल करके जब मैंने छौंक करके रखे हैं। अभी अभी फ्री हुई हूँ, अभी बस बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, बस खाना रह गया बनाने के लिए, बस रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी। और बाकी का ये है कि हमारे घर में सभी प्याज वगैरह, मतलब प्याज नहीं सॉरी सूखी हुई मिर्च सभी खा लेते हैं। रुद्र को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, पर मैं देखूंगी खाना खाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरे ना सर में दर्द है और मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है मुझे इस वजह से। बाकी का ये है कि अभी मैंने बस पति देव के लिए मिर्च वगैरह, मिर्च ककड़ों प्याज वगैरह छौंक करके रख दिए हैं। बाकी का आ जाएंगे जब खाना बनाऊंगी, बच्चों को पहले ही फ्री कर दूंगी क्योंकि ट्यूशन पढ़ेंगे। अब तो सच में बहुत दर्द हो रहा है सर में, हाथ, ये हाथ है ना इसमें भी दर्द हो रहा है मेरे यार। नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे यार, नींद ही नींद आ रही है। कल बिल्कुल बिल्कुल रहूंगी तो बिल्कुल ठीक रहूंगी, और जिस दिन नहीं रहती तो उस दिन ठीक ही नहीं रहती हूँ। और आज ना सुबह से नींद ही नींद आई जा रही है। आया मंदिर से आई थी, मंदिर से आने के बाद में सोचा तो ये था मैंने कि मैं ना थोड़ी देर मकान पर जाऊंगी और बस थोड़ी, मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर ली, तो आराम के चक्कर में है ना, बस जैसे मैं लेटी ना और वैसे उठी थोड़ी देर जैसे आराम करके 5-10 मिनट, मैंने चलो अब चलती हूँ, मेरा एकदम सर घूम गया, मेरे ना सर में मतलब एकदम चक्कर आने लगे मुझे। फिर मैं लेट गई, सो गई, फिर मेरी आँख ही नहीं खुली। जब से है ना सुबह से ऐसे ही हो रहा है, जैसे या तो बीपी लो हो रहा होगा या कुछ मतलब हो रहा होगा प्रॉब्लम वगैरह, तो जब से बस यही ऐसे ही हो रहा है। जब नहीं हो रहा था, आप स्कूल चले गए थे, मैं मंदिर से भी आ गई थी, मैं मंदिर भी गई थी ना दर्शन करने के लिए, मैं मंदिर से भी आ गई थी, उसके बाद में हुआ था करीब 9-9:30 के करीब, मतलब थोड़े चक्कर से आने शुरू हो गए। और अभी आने वाले हैं सावन के सोमवार, भाई मैं तो व्रत रहूंगी क्योंकि हर बार रहती हूँ मैं तो वैसे नॉर्मली रहती हूँ, पर सावन के सोमवार तो मैं हर बार रहती हूँ अच्छे से। तो बताना आप में से कौन कौन व्रत रहेगा सावन के सोमवार का, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं तो रहूँगी, और हमारे यहाँ तो पता है मंदिरों में सजावट वगैरह बहुत अच्छी होती है, और रंगेश्वर महाराज के मंदिर में तो बहुत अच्छी होती है, सभी मंदिरों में अच्छी होती है, क्योंकि अब तो सावन लग जाएंगे ना, तो द्वारकाधीश मंदिर में भी बहुत अच्छी होगी, शाम के टाइम की ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो देखती हूँ कितनी तारीख है, 22 को, 22 को पहला सावन का सोमवार पड़ेगा, देखती हूँ अगर मुझे कुछ काम नहीं निकला, ठीक है, क्योंकि जिस दिन मैं ये बोलती हूँ ना कि नहीं मैं कल ये वाला काम करूँगी, उस दिन मुझे काम निकलते ही हैं, इसलिए मैं पहले से नहीं बोल रही हूँ।
और अगर मुझे कोई काम नहीं निकला तो मैं आपको दर्शन कराऊंगी, ठीक है, रंगेश्वर महाराज के दर्शन कराऊंगी। और अगर कुछ काम निकल आता है तो मैं नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मैं पहले से कह रही हूँ कि मेरा है ना पता नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैं ये कहती हूँ ना, मतलब मैं ये एकदम फाइनल कर लेती हूँ ना कि नहीं ये काम मुझे करना है, नहीं कल को है ना मेरा कुछ काम नहीं रहेगा, तो उस दिन है ना मुझे कुछ ज़्यादा ही काम निकल आएगा और इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है कि बस बहुत ज़्यादा काम निकल आता है मेरे लिए फिर तो वो, इसलिए तो जब भी जाऊंगी ना आपको दर्शन जरूर कराऊंगी रंगेश्वर महाराज के, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी 7:05 का टाइम हो गया है, रुद्र गोलू को बोलते हैं, पूजा कर देते हैं, क्योंकि शाम को पूजा मैं उनसे ही करवाती हूँ, रुद्र गोलू से ही करवाती हूँ मैं, एक दिन रुद्र और एक दिन गोलू, सुबह को तो मैं ही करती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ करके जाते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराती हूँ। शाम की पूजा तो रुद्र और गोलू दोनों एक एक दिन छोड़ के करते हैं, वो उनका अंदर से मन करता है मम्मी हम पूजा कर दो, कोई बात नहीं तुम कर दो, एक ही बात है मैं करूँ या तुम करो एक ही बात है, अब तक तो मैं ही करती थी पर अब बच्चों का मन करता है कि पूजा करने का, तो फिर मैं कह देती हूँ कोई नहीं कर लो, और रक्षित भी उनके साथ में बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो चलिए मैं ना थोड़ा बच्चों को खाना पीना भी बना देती हूँ और इन्हें खिला करके फ्री कर देती हूँ, पति दबा जाएंगे उनके लिए तभी बनाऊंगी गरम गरम रोटी रोटियाँ, क्योंकि मिर्चों के साथ में तो तभी अच्छी लगेंगी। और आज की वीडियो में ना इतना ही है, और जो भी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। अब देखती हूँ सुबह के लिए बच्चों के लिए स्कूल के लिए क्या सब्जी बनाऊंगी, वो भी काट पीट करके रखूंगी क्योंकि सुबह के लिए इतना टाइम मेरा बच जाता है। और यहाँ पतिदेव आ गए थे ऑफिस से, और यहाँ ये लेकर के आए थे सब्जी, पनीर भी लाई थी, पनीर मैंने रख दिया था फ्रिज में जिससे कि ख़राब नहीं हो जाए, और ये आम लेकर के आए हैं बच्चों के लिए, आम गंदे हो रहे हैं चिपचिपा रहे हैं तो उन्हें धुल करके अच्छे से रख दूँगी साफ़ करके, तो देखिए आम मैंने रख दिए हैं साफ़ करके, और मटर वगैरह लेकर के आए हैं तो इन्हें मैं छील करके रख दूँगी।